काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। मध्य प्रदेश के शहडोल से बड़ी खबर ही बता दी कि शहडोल में छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में नगर पालिका CMO गिरफ्तार भी हमा। इंदौर पुलिस के द्वारा शहडोल में क्रिकेट खेले के दौरान CMO का पकड़ लेंगा। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सबजर इनका प्रणाम कही थे शुरू कही थी। बड़ी खबर से बता दें कि इंदौर पुलिस के द्वारा रविवार का शहडोल के धनपुरी नगर पालिका के CMO प्रभात बड़कड़े का गिरफ्तार किएगा। जोने के बाद बता दें कि पुलिस इंदौर वापस रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका CMO के ऊपर नीट की तैयारी करे वाली छात्रा से दुष्कर्म के आरोप लगा है। पीड़ित के द्वारा 23 मार्च का इंदौर के MIG थाना में CMO के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई रही। खास बात यह है कि जब पुलिस आरोपी अधिकारी का गिरफ्तार करे पहुंची वक्त वो धनपुरी के एक ग्राउंड में क्रिकेट खेलत रही। पुलिस के द्वारा वही जगह से आरोपी CMO का गिरफ्तार किएगा। आरोपी अधिकारी प्रभात वरकड़े बालाघाट के बैहर के रहने वाले हैं। पीड़ित छात्रा बालाघाटे के बताई जाती हैं। आरोपी प्रभात वरकड़े पिछले 2 साल से धनपुरी नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के तौर पर पदस्थ था। इससे पहले शहडोल जिला के बकहो नगर परिषद में CMO रह चुके हैं। MIG थाना प्रभारी के मुताबिक CMO प्रभात वरकड़े के ऊपर दुष्कर्म के मामला उस समय के है जब वो इंदौर में रह के पढ़ाई करत रहे। 2021 में उनकर मुलाकात पीड़ित छात्रा के साथ भई रही। छात्रा की उम्र उस वक्त 16 साल बताई जाती। आरोपी CMO और पीड़ित छात्रा के बीच दूर के रिश्ता हो पता चलत है। पुलिस के द्वारा आरोपी अफसर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीड़ित के द्वारा पुलिस का अपनी शिकायत में बतावागा कि नीट की तैयारी करे के दौरान कई एक बेर प्रभात से मुलाकात भय। पीड़िता के द्वारा शादी का झांसा देके दुष्कर्म के आरोप लगावा गया है। छात्रा के शिकायत पर केस दर्ज होने के बाद इंदौर के MIG थाना पुलिस के 4 सदस्यीय टीम रविवार का शहडोल जिला के धनपुरी पहुंची, जहां से टीम के द्वारा आरोपी CMO प्रभात बरकड़े का गिरफ्तार किएगा। पुलिस के कहा है कि आगे की कार्रवाई पूछताछ के बाद की जाएगी। सजग रही, सतर्क रही, रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।